بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم Dear students, आज के हमारे topics हैं boiling point, effect of external pressure on boiling point and distillation. पहले है boiling point. The temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to its atmospheric pressure. वो temperature, वो point, जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड उसके एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. वेपर प्रेशर को काफी डिटेल से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में. किसी ने स्किप किया हो, किसी ने मिस किया हो तो वो पिछले लेक्चर को देख लें, उसमें काफी डिटेल्स मैंने डिस्कस किया था. सो वो टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. यानी उस टेम्परेचर पर उस लिक्विड में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. अब क्या डेफिनेशन की थी हमने, जिसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर में किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है. बेसिकली याद रखे, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जाते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स वो भी इंक्रीज होता चला जाता है. यानी वेपराइजेशन इंक्रीज होती चली जाती है, वेपर प्रेशर जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाता है. अब एक ऐसा टेम्परेचर रीच हो जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिसमें वेपर प्रेशर यानी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. इस स्टेज को इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं और इस स्टेज को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. इस स्टेज पे, इस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है. दोबारा देखें, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है. इस लेफ्ट फिगर में देखें, एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर एग्जर्ट है, पहले स्टार्ट में कोई हीट नहीं दे रहे तो वेपर प्रेशर जो है वो लो है, वेपराइजेशन लो हो रही है, बहुत कम है, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है. लेकिन जब भी हम बॉइलिंग नहीं हो रही, जब भी हम हीट एनर्जी इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है, वेपर्स बनना ज्यादा से ज्यादा बनते चले जाते हैं और वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता चला जाता है. अब इस वेपर प्रेशर इंक्रीज होते 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 आखिरकार इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है. यानी हम कंटिन्यूसली हीट देते जा रहे हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है. एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जिस पे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है. जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तब उस टेम्परेचर पर ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देता है और बबल्स बनना स्टार्ट कर देता है. अब रूम टेम्परेचर पर या सी लेवल पर या हमारे घरों में बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हम पीछे डिस्कस कर चुके थे, या 101.325 किलो पास्कल. सो हम जब अपने घर में पानी उबालने के लिए चूल्हे पे रखते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर उस लिक्विड का पानी का इंक्रीज होता जाता है. इंक्रीज होते 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 जब हमारे लिक्विड का जो हमने लिक्विड चूल्हे पे रखा था उस लिक्विड का वेपर प्रेशर 101.325 किलो पास्कल हो जाए, यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर था 101.325 किलो पास्कल, उसी तरह हमारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स का भी टेम्परेचर प्रेशर 101.325 किलो पास्कल हो जाए, तब उस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देगा. और हमें अच्छी तरह पता है कि वो टेम्परेचर कौन सा है, भला 100 डिग्री सेल्सियस. यानी 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो जाता है लिक्विड का, वाटर का, तो वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देता है. अब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है. अभी मैंने
सी लेवल या हमारे रूम टेम्परेचर, हमारे घरों की एग्जांपल दी कि जब हम लिक्विड बॉयल करते हैं तो हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे घरों में है या सी लेवल पर है तो वो 101.325 किलो पास्कल होता है, तो हमारे घरों में 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होता है। लेकिन याद रखें, जैसे हम माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, यानी किसी भी पहाड़ पे जाते हैं, ऊंची जगह पे जाते हैं, 3,300 किलोमीटर आई थिंक सो, जब हम हाइट इंक्रीज करते चले जाते हैं, यानी जमीन अर्थ सरफेस से हम काफी अबव चले जाते हैं ऑन द टॉप ऑफ एनी हाई माउंटेन लाइक माउंट एवरेस्ट, तो वहां पर प्रेशर याद रखे ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एयर मॉलिक्यूल्स कम होते जाते हैं, तो नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से प्रेशर भी कम होता चला जाता है। वहां पर प्रेशर क्या होता है भला, 34 किलो पास्कल। माउंट एवरेस्ट पे किसी बड़े पहाड़ की चोटी पर कितना प्रेशर होता है? 34 किलो पास्कल, जो कि बहुत कम है। सो जब हम पहाड़ के ऊपर लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता चला जाता है, और चूंकि इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर का प्रेशर 34 किलो पास्कल है, तो लिक्विड का प्रेशर जब इजीली 34 किलो पास्कल हो जाता है तो वो बॉइलिंग स्टार्ट कर देता है। यानी हमारे रूम टेम्परेचर पर 101 प्रेशर अटेन करना था हमारे लिक्विड ने, और वो अटेन कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पर, जबकि पहाड़ों पर चूंकि प्रेशर कम है तो ये कम प्रेशर जो हमारा लिक्विड अटेन करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होने के लिए, वो अटेन करता है 70 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए पहाड़ों पर पानी जो बॉयल होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, याद रखें। क्यों? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, सो इसलिए हमारे जो लिक्विड पहाड़ों के ऊपर हम बॉयल करना चाहते हैं वो लिक्विड भी, उसका भी वेपर प्रेशर जल्दी 34 किलो पास्कल की इक्वल हो जाता है, इन एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है, और बहुत जल्दी कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है। यानी उस लिक्विड का टेम्परेचर इतना हाई नहीं होता, बहुत नॉर्मल ही सा पानी होता है, इतना ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस की तरह गर्म नहीं होता। प्रेशर कुकर का केस हम आगे लेक्चर स्लाइड में डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम अपने बुक के डायग्राम को देख लेते हैं। जब हम स्लाइटली इंक्रीज कर रहे थे इन टेम्परेचर, जब 0, 5, 10, 100, 60, 70 तक चला गया, तब तक भी इन सी लेवल पर, तब तक भी जो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल नहीं हो रहा था, यानी 101.325 की इक्वल नहीं था, सो वाटर बॉयल नहीं हो रहा था, बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे थे। लेकिन जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते गए, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तब जाके 101.325 किलो पास्कल के इक्वल हो गया हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर, और तब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई और बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। जबकि एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट क्या है भला, वहां पर चूंकि बहुत कम वेपर एक्सटर्नल प्रेशर है 34 किलो पास्कल, तो इसलिए हमारे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो जल्दी 34 किलो पास्कल, यानी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो गया, और वाटर कम टेम्परेचर पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब प्रेशर कुकर इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। प्रेशर कुकर में जो आम बॉइलिंग वाटर में जो चीजें अच्छी तरह नहीं गलती, नहीं जल्दी पकती, तो उसको हम प्रेशर कुकर में जल्दी पका लेते हैं। लेट सपोज कोई चिकन या कोई मटन पीस लेट सपोज लेने, तो उस आम प्रेशर कुकर के बगैर अगर वो 2 घंटे लेता है सही तरह गलने में, तो प्रेशर कुकर में वो सिर्फ आधे घंटे में इजीली गल जाता है। क्यों? अब इसका रीजन हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली प्रेशर कुकर के ऊपर एक वाल्व होता है, और वो वाल्व इस इंटरनल प्रेशर को इंक्रीज करता है। अब चूंकि ये प्रेशर कुकर बंद है, अब इसका एक्सटर्नल प्रेशर से ताल्लुक खत्म हो गया, ये इसका एक्सटर्नल प्रेशर है। यानी ओपन कंटेनर में जब हम अपने रूम में अपने घर में पानी बॉयल कर रहे थे, तो वहां पर चूंकि हमारा कंटेनर जो केटल था वो ओपन था, तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा रूम प्रेशर था। माउंट एवरेस्ट पे जो ओपन कंटेनर में हम वाटर बॉयल कर रहे थे, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पहाड़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। लेकिन प्रेशर कुकर चाहे यहाँ पर हो रूम टेम्परेचर, रूम का
कंडीशन रूम प्रेशर पर हो या माउंट एवरेस्ट पर हो या सी लेवल पर हो, कहीं पर भी हो, उस प्रेशर कुकर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये बंद हो चुका है, ये वाल्व प्रेशर एग्जर्ट करता है और यही इसका एक किस्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इस लिक्विड का, इस मीट का यही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जनरेट होगा। तो यहाँ पर ये वाल्व प्रेशर एग्जर्ट करता चला जाता है, हम हीट देते चले जाते हैं और जो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंक्रीज होता चला जाता है, 2 atm तक चला जाता है, यानी 202.65 kPa तक चला जाता है। जैसे हमने माउंट एवरेस्ट पर प्रेशर कम किया था तो हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर जल्दी उसकी इक्वल हो गया था, यहाँ पर प्रेशर कुकर में हम अपना एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, 200+ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, 2 atm कर रहे हैं। इस एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो भी काफी देर बाद उसकी इक्वल होगा, यानी वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा 101 को हो जाएगा, फिर भी ये नहीं बॉयल होगा क्योंकि आगे एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, 200+ है, फिर ये इंक्रीज होता जाएगा 120, 30, 150, 180, 200, जब टू इस लिक्विड का वेपर प्रेशर 202.65 kPa के इक्वल हो जाएगा, यानी इस एक्सटर्नल हायर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होगा और वहां पर टेम्परेचर होगा 120°C, यानी हमारे रूम टेम्परेचर पर 100 इसलिए बॉयल हो रहा था क्योंकि एक्सटर्नल 101.325 था, तो इसलिए हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर भी 101.325 बन गया। यहाँ पर प्रेशर कुकर में एक्सटर्नल प्रेशर 202.65 एटसेट्रा एक्सटर्नल प्रेशर है, तो इसी लिक्विड का प्रेशर भी, वेपर प्रेशर भी इतना होना चाहिए, इतना ज्यादा होना चाहिए और वो सिर्फ 120°C पर ही अटेन हो सकता है जो कि वेरी हाई टेम्परेचर है। इसलिए ये पानी जो है बहुत हाई टेम्परेचर 120°C पर बॉयल हो रहा होता है, जबकि हमारे आम रूम प्रेशर पर, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 100 में बॉयल होता है, प्रेशर कुकर में 120 में बॉयल होता है, इसलिए उसमें चीजों के पकने में 2 घंटे लगते हैं और प्रेशर कुकर में 120°C हायर टेम्परेचर होने की वजह से जो चीजें हैं वो जल्दी पक जाती हैं, गल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिस्टिलेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड इज हीटेड टू वेपराइज इट एंड द वेपर्स आर कूल्ड टू कंडेंस बैक टू द लिक्विड इन अ डिफरेंट कंटेनर। प्योरिफिकेशन टेक्निक है बेसिकली। डिस्टिलेशन में क्या है, हम एक लिक्विड को वेपराइज करते हैं और उन वेपर्स को दोबारा कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेट सपोज आपके पास एक इम्प्योर मिक्सचर है, वाटर है और इसमें आप सैंड है और मिट्टी है और लेट सपोज साल्ट है, तो आपने इस गंदे पानी को प्योरीफाई करना है, प्योर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, हीटिंग के जरिए वेपोराइज करेंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। और आपको पता, यहाँ पर टेम्परेचर आपने लगाया होगा, जब इसका टेम्परेचर 100°C तक पहुंच जाएगा तो ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। अब बॉयल होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कंडेंसर लगाया होगा, यहाँ पर वाटर इनलेट होगा, वाटर ठंडा पानी यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ से वो वही पानी बाहर आउट होगा। यहाँ से पानी इंटर इसलिए नहीं करते क्योंकि फिर ये ट्यूब अच्छी तरह फिल नहीं होती, जब यहाँ से नीचे से पानी इंटर करेंगे तो ये ट्यूब बहुत अच्छे तरीके से फिल हो जाती है और यहाँ से पानी निकलता है। अब याद रखें, ये जो इनलेट ऑफ वाटर है, ये वाला वाटर जो ब्लू कलर से डिजिग्नेटेड है, ये इस इन वेप वाटर वेपर्स जो यहाँ से बॉयल होकर वाटर वेपर्स बन के यहाँ से गुजर रहे होते हैं, इनके साथ कंटेक्ट में नहीं होता, ये अलग ट्यूब है और ये कंडेंसर की अलग ट्यूब है, यानी कंडेंसर में जो पानी हम इन वेपर्स को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो पानी इस ट्यूब के अंदर वेपर्स को टच नहीं करता है, इन कंटेक्ट नहीं है। यहाँ से वेपर्स आए, अब
रास्ते में ठंडे पानी से गुजरते गए, और आपको पता है कि जब वाटर वेपर्स का टेम्परेचर कम हो जाता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, और यहाँ पर फिर वो ठंडे पानी से गुजरने के बाद वो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर 100 था तो उस पे ओनली वाटर बॉयल हो रहा था, क्योंकि वो मिट्टी और सैंड और जो कचरा वगैरह था और साल्ट वगैरह था उसका टेम्परे बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट बहुत 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 ज्यादा हाई है, तो वो 100 में बॉयल नहीं हो सकता। सो पहले पहले जल्दी जल्दी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स एवोपोरेट होंगे, सैंड और बाकी कचरा वगैरह इम्प्योरिटीज वो इतनी जल्दी एवोपोरेट नहीं होंगे। सो पहले पहले क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर सारा का सारा एवोपोरेट होकर इस कंडेंसर में से गुजरेगा। कंडेंसर में यहाँ पर उसका टेम्परेचर इस ठंडे पानी जो हमने कंडेंसर के जरिए इंटर किया है, उस ठंडे पानी की वजह से यहाँ पर उस वाटर जो वाटर वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो कंडेंस होकर दोबारा लिक्विड फॉर्म में प्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उम्मीद है बॉइलिंग पॉइंट और डिस्टिलेशन की समझ आ गई होगी, नहीं आई तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह दोबारा फिर आपको समझाऊंगा। ओके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। यकीनन अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। सहरी खाएं, नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, समझ नहीं हो तो फिर भी मुझे बता दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।